देखिए रफ़ी साहब तो हजारों किलोमीटर उन लोग से अलग थे, ऊपर थे, उनको कोई छू नहीं सकता है। वो मतलब कि ऐसे फ़नकार थे कि शायद मुझे नहीं लगता है कि जितने नए कलाकार हैं वो शायद हम समझते हैं कि लोग आने वाले समय में उनको लोग भूल जाएंगे। आज की शाम हम लोग 44वीं मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे सारे आगंतुक आज इस आदर्श छात्रावास के ये बैंक्वेट हॉल में हम लोग जो है कार्यक्रम को मना रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मोहम्मद रफ़ी साहब की 44वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, इसके साथ ही उनको याद किया गया। इस दौरान जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड स्थित आदर्श छात्रावास में नवोदय आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट शेखपुर द्वारा सूर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की 44वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर विनायक गौतम, इसके साथ ही ट्रस्ट की अध्यक्ष रंजना झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम उद्घाटन के बाद जो है सभी बच्चों को जो है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान जो सभी बच्चे जिन्होंने भाग लिया था उन सभी को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई। इसके साथ ही शहर के कई सिंगर पहुंचे थे और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की यादों में उनके गानों को गाया और उनको याद किया। इस दौरान जो है डॉक्टर अरुण शाह जो शिशु रोग विशेषज्ञ है उन्होंने भी मोहम्मद रफ़ी को याद किया और उनकी गानों को भी गाकर उनको याद किया और उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से उन्होंने बताया है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अरुण शाह और शिशु रोग विशेषज्ञ है, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज 44वीं मतलब रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है जिसका आयोजन मतलब नवोदय आर्ट एंड कल्चर द्वारा यहाँ पर हो रहा है और रफ़ी साहब को याद किया जा रहा है। एक ऐसे फनकार थे वो जो शायद सदियों तक याद रहेंगे और इस मुशायर के जो भी लोग एक बाल प्रतियोगिता गान प्रति बाल गाना प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ उसमें जो भी मतलब कि अच्छा किए उनको उनकी उनको हौसला अफजाई के लिए उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को मतलब के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विनायक गौतम और हमारे बगल में जो बैठे हैं डॉक्टर भीम मोहन। तो ये हम लोग यहाँ पर आए हैं इस आज की संध्या को हम लोग रफ़ी साहब के नाम समर्पित कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तो शुरुआत हुई है लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे रफ़ी साहब के बारे में सब लोग सुनेंगे, उनके गाए हुए जो गीत हैं उनको हम लोग याद करके उनको उनको मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज के दौर में जो युवा है कहीं ना कहीं ये पुराने दौर से पीछे होते जा रहे हैं, उन लोग क्या समझते हैं? देखिए रफ़ी साहब तो हजारों किलोमीटर उन लोग से अलग थे, ऊपर थे, उनको कोई छू नहीं सकता है। वो मतलब कि ऐसे फनकार थे कि शायद मुझे नहीं लगता है कि जितने नए कलाकार हैं वो शायद हम समझते हैं कि लोग आने वाले समय में उनको लोग भूल जाएंगे, लेकिन तीन कलाकार ऐसे हैं जो जो पार्श्व संगीत में खास करके जो रफ़ी साहब हैं, मुकेश जी हैं और किशोर कुमार हैं, ये तीनों ने तो अपना नाम जो है अमृत में लिखवा लिया है, मतलब इमोर्टलाइज हो गए हैं। नए कलाकार हैं ठीक है लेकिन नए कलाकार अच्छा गाते हैं लेकिन दुर्भाग्य से क्या है उनका गाना बहुत दिन तक वो सस्टेन नहीं रहता, बहुत ही क्षणिक रहता है। लेकिन रफ़ी साहब जिन्होंने उन्होंने करीब 28,000 गाने गाए थे आज भी उनका गाना जो है मतलब याद कर करके विश्वास नहीं होता कि इस युग में पृथ्वी पर एक ऐसा गायक आया जिसने जिसके जो बहु प्रतिभा का के वजह से इतने सारे भाषाओं में गाया, न कि सिर्फ हिंदी भाषा में, तेलुगु में, मराठी में, आसामी में उन्होंने गाया। एक मतलब किसी ने सही कहा कि वो बेहतरीन इंसान थे और ये भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उनको जाते जाते अंतिम जब वो सांस अंतिम ले रहे थे तो मैं सामने खड़ा था तो मैंने उनको देखा है जिंदगी को
जिंदगी से को रुखसत होते हुए। जी मैं कुमार उदय, सचिव नवोदय आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आज की शाम हम लोग 44वीं मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे सारे आगंतुक आज इस आदर्श छात्रावास के ये बैंक्वेट हॉल में हम लोग जो है सो कार्यक्रम को मना रहे हैं, और हमारे मुजफ्फरपुर शहर के गणमान्य व्यक्ति से लेकर सारे लोग अतिथि श्रोता सब यहाँ मौजूद हैं, और हम लोग 44वीं मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर अरुण साह। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोहम्मद रफ़ी जिन्होंने 26,000 गाना उन्होंने गाए हैं, वो भी सुपर डुपर हिट, आज के दौर में भी वो गाना जो है जिंदा है। 19 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया और उनको हम लोगों ने याद किया। उनकी यादें आज तक हम लोगों के सीने में जिंदा है, और उनकी याद को लेकर ये कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और सभी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही थी, उसमें सिंगिंग और डांसिंग प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग लिए थे उन सभी को पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया। इसके दौरान ही जो कार्यक्रम का आयोजन करता है उन्होंने भी क्या कुछ कहा आप सुन रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।